कक्षा 6 विषय गणित, इसमें हम कर रहे हैं प्रश्नावली अध्याय 6, प्रश्नावली 6.1, इसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में आपको पता है कि हमारे जो गणती के जो अंक होते हैं 1 से लेकर 100 तक गिनती, वह सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। अब उसके अंदर हमारी गिनती जो क्रम से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ये संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतक संख्याएं। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अगर इन्हीं अंकों में साथ में अगर हम शून्य जोड़ दें आगे, क्या जोड़ दें? शून्य जोड़ दें, और शून्य के बाद में अगर 1, 2, 3, 4 क्रम से संख्या शुरू करते हैं तब ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। यानी 1, 2, 3, 4 से शुरू प्राकृतिक संख्याएं, और इसमें अगर शून्य जोड़ दिया जाए आगे, और शून्य से शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। अब इन संख्याओं को हम चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं, यानी किसी भी अंक जैसे लिखा 1, 2, 3, 4, तो ये क्या कहलाती है? धनात्मक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? धनात्मक संख्याएं। और इसी में अगर इन संख्याओं को माइनस के चिन्ह यानी ऋण के चिन्ह से संबंधित किया जाए, जैसे -1, -2, -3 और -4, तो ये कहलाती है ऋणात्मक संख्याएं। क्या कहलाती है? ऋणात्मक संख्याएं। जिससे का आपको ध्यान को यानी इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हमारी प्रश्नावली 6.1, इसने लिखा है कि निम्नलिखित के विपरीत यानी ऑपोजिट लिखिए। तो ये प्रश्न नंबर 1 है, ये जो आपको संख्या दे रखी है, नाम दे रखे हैं, उनका आपको विपरीत अर्थ लिखना है, यानी इसका ऑपोजिट लिखना है। जैसे पहले लिखा हुआ है भार में वृद्धि, भार में वृद्धि, वृद्धि मीन्स क्या होता है? ज़्यादा। इसका ऑपोजिट क्या होगा? वृद्धि का क्या होगा? कमी। क्या होगा? कमी। तो हम इसमें लिख देंगे भार में कमी। क्या लिख देंगे? भार में वृद्धि का क्या हो जाएगा? भार में कमी। फिर दूसरा है 30 किमी उत्तर दिशा, 30 किमी उत्तर दिशा। तो 30 किमी तो आप लिख दीजिए, अब उत्तर का क्या हो जाएगा? दक्षिण। उत्तर का दक्षिण दिशा। फिर इसी प्रकार से सी नंबर 80 मीटर पूर्व, तो 80 मीटर पूर्व का ऑपोजिट क्या होता है? पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम, यानी 80 मीटर पश्चिम। डी नंबर 700 रुपये की हानि, तो इसका उत्तर हो जाएगा ₹700, और हानि का क्या हो जाएगा? लाभ। क्या हो जाएगा? हानि का लाभ, तो ₹700 का लाभ। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, तो ये है पहला प्रश्न। बहुत ही सरल सिंपल है जिसको हमने किया। इस लेसन में जो आपको मेन बातें ध्यान रखनी है, वो प्राकृतिक संख्या जो हम क्रम से 1, 2, 3, 4 लिखते हैं वो कहलाती है। अब इस प्राकृत संख्या में अगर शून्य को जोड़ दिया जाए तो 0, 1, 2, 3, 4 ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं। और हम जो लिखते हैं वो 1, 2, 3, 4 जिसके आगे किसी प्रकार का साइन नहीं है वो क्या कहलाती है? धनात्मक संख्याएं। अगर इन्हीं संख्याओं को माइनस के चिन्ह के साथ निरूपित किया जाए तब यह क्या कहलाती है? ऋणात्मक संख्याएं, जिनके बारे में हम आगे प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो आज हमने किया प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल, कॉपी में उतारिए और इसको स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।